प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार शहर पधारे नाना पटोले का विमानतल पर कांग्रेसियों ने जंगी स्वागत किया है। ढोल ताशों के गुंज के बीच कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक कांग्रेस ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व मंत्री राजेंद्र मुरक, विधायक राजीव पारवे, गिरीश पांडव और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को नव संजीवनी देने के लिए हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस ने बदलाव किए। विधानसभा अध्यक्ष रहे नाना पटोले को इस्तीफा देने को कहा गया और उन्हें बाला साहब थोरा की जगह प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कल दिल्ली में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले राहुल गांधी से मिले। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास नाना पटोले के माध्यम से किया जा रहा है। नाना जहां अच्छे वक्ता है वहीं पार्टी में साफ सुथरी छवि भी है। हर नेता और कार्यकर्ता से उनके अच्छे संबंध है। सभी को लेकर चलने वाले नाना आगामी दिनों में कांग्रेस को ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्प ले चुके हैं। यही कारण है कि आज सुबह विमानतल पर उनके स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विमानतल परिसर कांग्रेस के झंडों से और कार्यकर्ताओं के घोषणाओं से गूंजता रहा। इस दौरान शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अतुल कोटेचा, डॉक्टर गजराज हटेवार, नगर सेवक रमेश पुनेकर, जुल्फिकार भुट्टो और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। और इसका मतलब ही है कि अब महाराष्ट्र में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और महाराष्ट्र में कांग्रेस से ही आने वाले दिनों की एक नंबर की पार्टी बनेगी, ये जनता के उत्साह से आपको समझ में आ जाए। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आंदोलन करने वाले किसानों की भी चेष्टा कर रहे हैं। ये देश को आंदोलनों से ही आज़ादी मिली है।